जय जगन्नाथ आपण समस्त को गोटे नुआ भिडियो पुणी थे स्वागत। ए सब टोटाल 50 डे जमी प्लां बनते से अनुसार आम क्लास बराबर चली आज है आपंकर डे नंबर 11 मेन्सुरेशन 2D रो सेकेंड पार्ट आम डिस्कसन करवा। फास्ट पार्ट ऑलरेडी डिस्कसन सरी जाइए प्रीवियस क्लास रे। आज क्लास रे सेकेंड पार्ट डिस्कसन हम देखो आपंकर जमी प्लां था से अनुसार क्लास चलती टोटाल डे 1 रु नहीं कि डे 10 पर्यटन आपंकर क्लास सक्सेसफुली कंप्लीट हो सारी। जदि आप तार वीडियो देखी ना प्लेलिस्ट रे से सब वीडियो लिंक मिल जाव। टोटाल गोटे प्लेलिस्ट बनाई प्लेलिस्ट लिंक आपको डेस्क्रिप्शन में मिल जाव। सेटू जाकि चेक करदे आपको सिक्वेन्स रे क्लास सब मिल जाव। क्लास 1 रु नहीं क्लास 10 पर्यंत ऑलरेडी प्लेलिस्ट रे अपलोड होगी अच्छी। आज डे नंबर 11 मेन्सुरेशन 2D रो सेकंड क्लास डिस्कशन करेंगे 28 फेब्रुआरी। आज 28 फेब्रुआरी डे नंबर 11 मेन्सुरेशन 2D रो सेकंड पार्ट डिस्कशन करेंगे। टेलीग्राम ग्रुप रो लिंक डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाव। प्रीवियस ईयर रो पेपर एनालिसिस होती तार 6 वीडियो प्रॉपर्ली एनालिसिस होगी गोटे प्लेलिस्ट बनाई दिखाई तार लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाव। चेक करदे। चलतु देखिए आज क्लास में स्टार्ट करिया क्वेश्चन नंबर 10 रु। प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 पर्यंत सरी देइथिले। क्वेश्चन 10 रे डिस्कशन करिया द पेरिमीटर्स ऑफ टू स्क्वायर्स आर 20 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। द पेरिमीटर ऑफ थर्ड स्क्वायर हुज एरिया इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द एरियाज ऑफ दिस स्क्वायर केते हबो। देखंथु प्रथमे देला दीटा स्क्वायर अछंती। प्रथम स्क्वायर रो साइड को मु a1 नै जाउची, द्वितीय स्क्वायर रो साइड को a2 नै जाउची। सेमानकर देइची कोन पेरिमीटर देइची। सो 4a1 इक्वल टू केते हे जो 20 सेंटीमीटर। एगेन 4a2 केते 12 सेंटीमीटर। ताहले ए केते हिजबो ए जगह रे a1 इज इक्वल टू हे गला 5 सेंटीमीटर। एठी a2 हिजबो 3 सेंटीमीटर। एगेन कोन देछि पेरिमीटर ऑफ थर्ड स्क्वायर कोन इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर्स। ताहले एमान कर जदि थर्ड स्क्वायर रो साइड को मु a3 नै गली यार एरिया केते हिजबो a1 रो स्क्वायर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हिजबो। सिमिलरली a2 रो स्क्वायर हिजबो 3×3 = 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। एबे कहिछि कि सेमानकर एरिया डिफरेंसटा a3 सहित सामान। ताले एरिया डिफरेंस केते हला 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। 16 सेंटीमीटर स्क्वायर ताले a3 स्क्वायर इक्वल टू केते हिजबो a3 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ताले a3 इज इक्वल टू केते हिजबो √16 इक्वल टू 4। पचारछि पेरिमीटर ऑफ थर्ड स्क्वायर रो साइड जदी a3 4 हला ताले 4a3 इज इक्वल टू हिजबो आपनकर 4×4 इक्वल टू 16 सेंटीमीटर आपनकर हिजबो पेरिमीटर आई मीन तार स्क्वायर रा पेरिमीटर थर्ड स्क्वायर रा पेरिमीटर। ऑप्शन बी हिजबो आपनकर करेक्ट आंसर। एबे देखंतु ए जिंसटा इरेज कर दवा। नेक्स्ट क्वेश्चन पचाछि इफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:4:5 देन द ट्रायंगल इज 3, 4, 5 आपंकर है पाइथागोरस ट्रिपलेट। से राइट एंगल ट्रायंगल हम कौन पाई 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर हो बुझा पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन पचार 6 कॉर्ड्स ऑफ इक्वल लेंथ आर ड्रॉन इनसाइड ए सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर दिस मच फाइंड द एरिया ऑफ सैडेड रिजन। एटी सैडेड रिजन 1, 2, 3, 4, 5, 6 6टा सैडेड रिजन अच्छी सबुतिक इक्वाल हे कारण इक्वाल कॉर्ड द्वारा बनुची। जदि आम गोटे सैडेड रिजन रो एरिया बाहर करदे देन आम 6 मल्टीप्लाई कले टोटाल सैडेड रिजन रो एरिया बाहर जीव। सिंपली आपन ए गोटे पोर्सन को कंसीडर करंथु। जदि एमती गोटे आपनकर थाए सेक्टर रे ए जगह हे जाय सेगमेंट रो एरिया फाइंड आउट करे पहिले टोटाल सेक्टर एरिया रु ए ट्रायंगल एरिया को माइनस करिया पड़े। तार फार्मूला कोन थिला θ/360 × πr² एटा हला आपनकर सेक्टर रो स्क्वायर आई मीन सेक्टर एरिया माइनस ट्रायंगल एरिया कोन थिला ½ r² sin θ। एबे देखंतु ए थीटा कोन ए जो सेंट्रल एंगलटा एठी जो सेंट्रल एंगल थीटा थाए गोटे सेगमेंट रो कथा कहूँ गोटे सेक्टर रो कथा कहूँ ए थीटा केते हबो जेहेतु टोटालटा 180 डिग्री आउ एटा 6टा पार्ट रे डिवाइड होइछि थीटा इक्वल टू केते हिजो 180 / 6 इक्वल टू 30 डिग्री। थीटा 30 डिग्री मिल गला ताले ए जगह में थीटा 30 डिग्री पुट कर देले ये हिजो गोटे सेगमेंट रो एरिया। टोटल 6टा सेगमेंट अछि 6 मल्टीप्लाई कर देले टोटल एरिया बाहर जो दिस इज इक्वल टू थीटा जगह 30 पुट कर देबी 30 / 360 / 22 / 7 / r² मीन्स ए जगह देखंतु डायमीटर देछि 14√2 ताले d इज इक्वल टू 14√2 हे गले आपनकर r इज इक्वल टू केते हे जीवो 14√2 r इज इक्वल हे जो 14√2 / 2 इक्वल टू 7√2। एबे पुट करिवा 7√2 / 7√2 -1/2 × 7√2 × 7√2 sin 30 होल मल्टीप्लाइड बाय 6 वैल्यू पुट कले केते हिजो 30 को कैंसिल करंतु 12 टू रे कैंसिल कले सिक्स, टू रे कैंसिल कले इलेवेन, सेवेन को ये कैंसिल करिया, टू सहित कैंसिल कले थ्री, टू रे कैंसिल कले दुटा कैंसिल हो ऊपर है 77 by 3 minus 1 by 2 सहित कैंसिल कले 2 कैंसिल कले रूट टू कैंसिल हो 7 इंटू सेवेन साइन थीटा वैल्यू 1 by 2 दैट इज 77 49 डिवाइडेड बै sin 31 by 2 तले 2 आसीज होल मल्टीप्लाइड बै 6 इक्वाल टू के एलसीएम 6 नहीं जातु ऊपर होगा 77 इंटू 2 दैट इज 154 माइनस 49 इंटू 3 27 7 2 4 3 12 प्लस 2 दैट इज 147 मल्टीप्लाइड बै 6 6 सहित 6 को कैंसिल करूँ बाकी 154 माइनस 147 इक्वाल टू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर जेहेतु एरिया 7 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन आपनकर ऑप्शन रे किछि नै 7 सेंटीमीटर स्क्वायर हेला आपनकर करेक्ट आंसर ठीक अछि। एटा बहुत जबरदस्त क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम रे ए टाइप रो क्वेश्चन उठा पजारला गोटिए सेगमेंट रो एरिया पजारला हालांकि आमे भलो होय जानि नवाटा बेस्ट रहबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु ए वेयर इज बेंट टू फॉर्म ए स्क्वायर ऑफ साइड 22 सेंटीमीटर वेयर रो लेंथ हमकु जना फाइंड आउट करा पहिले आमे कोन करिया जदि गोटे स्क्वायर रो साइड जदि 22 सेंटीमीटर हुए ताले आमे कहि परिबा ए इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर जो वेयर ए स्क्वायर टा में बनैचे वेयर रो लेंथ इज इक्वल टू ही जो केते पेरिमीटर ऑफ स्क्वायर दैट इज 4a दिस इज इक्वल टू 22 इंटू 4 इक्वल टू 88 सेंटीमीटर सही वेयर को लेकिन आमे अगेन सर्कल बनैले ताले सर्कल रो एटा कोन हिजो सर्कमफरेंस लेखिछि इफ वेयर इज बेंट इनटू बेंट टू फॉर्म ए सर्कल सर्कल रो एटा हिजो पेरिमीटर आई मीन सर्कल रो सर्कमफरेंस दैट इज 2 पाई r इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर वैल्यू पुट कर दबा 2 इंटू 22 बै 7 इंटू आर इक्वाल टू 88 पचार कौन देन इट्स रेडियस ताले आर फाइंड आउट करिया कैंसिल करूँ 2 इंटू 22 है 44 एपटे कैंसिल कले 2 रे जीवो आर इज इक्वाल टू के 2 इंटू 7 इक्वाल टू 14 सेंटीमीटर हो आपनकर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट द एरियाज ऑफ टू इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 16:49 अच्छा जदि प्रथम इक्विलैटरल को मु तार साइड को A1 नेली द्वितीय को जदि A2 नेली देन प्रथम रो एरिया केते हे जीवो √3/4 A1 स्क्वायर द्वितीय रो एरिया केते हे जीवो √3/4 A2 रो स्क्वायर एरिया रो रेशियो केते 14 आई मीन 16:49 यार रेशियो इक्वल टू 16:49 √3/4 √3/4 कैंसिल हो गला दैट मींस A1/A2 होल स्क्वायर इक्वल टू 16/49 एबे पचारछि कोन देयर अल्टीट्यूड विल बी इन द रेशियो प्रथम तार अल्टीट्यूड केते हे जीवो √3/2 A1 द्वितीय अल्टीट्यूड केते हे जीवो √3/2 A2 ए माने होते रेशियो केते हबो डिवाइड कला परे √3/2 कैंसिल होला A1/A2 बाहिरिबो दैट मींस हमकु इनडायरेक्टली पचारछि A1/A2 इक्वल टू केते हबो हमकु A1/A2 रो होल स्क्वायर जना अछि A1/A2 फाइंड आउट करा पे हेले इंप्लाइज A1/A2 इक्वल टू होल रूट ओवर ऑफ 16/49 इक्वल टू के 4/7 ऑप्शन सी हो आपनकर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल आर इनक्रीज्ड बाय 10% एंड 15% रेस्पेक्टिवली इट्स एरिया विल बी इनक्रीज्ड बाय गोटे शॉर्टकट फॉर्मूला थिला ऑलरेडी आपनकु बतई सारछि जेहेतु इनक्रीज होउछि 10% प्लस 10 जेहेतु इनक्रीज होउछि 15% देन प्लस 15% एठी प्लस देन प्लस प्लस एटा हिजो प्लस 15 × 10 दैट इज 150 होल डिवाइडेड बाय 100 आई मीन 150 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू केते हला 10 प्लस 15 हला 25 प्लस 150 बाय 100 दैट इज 1.5 टोटल है 26.5% इनक्रीज हम ऑप्शन बी हो आपनकर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ए वेयर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर एनक्लोज्ड ए रीजन ऑफ एरिया दिस मच गोटे वेयर को जो बेंट करके गोटे स्क्वायर बनाला से टोटल रीजन रो स्क्वायर हो गला एरिया हो गला 484 ताले मु ए नहीं जाउछि तार साइड ताले टोटल ए स्क्वायर इज इक्वल केते होला 484 ताले ए इज इक्वल केते हो रूट ओवर ऑफ 484 इक्वल टू 22 सेंटीमीटर ये जो ए इक्वल टू 22 सेंटीमीटर एटा हला कहार साइड स्क्वायर रो गोटे साइड ताले वेयर रो लेंथ जदी फाइंड आउट करिवा ताले सेटा कोन हबो टोटल स्क्वायर रो पेरिमीटर दैट इज 4a इक्वल टू 22 इंटू 4 इक्वल टू 88 सेंटीमीटर एगेन कोन कहिछि इफ द सेम वेयर इज बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ ए सर्कल देन एरिया ऑफ द सर्कल एटा को जदी हम सर्कल रे कन्वर्ट करिवा देन सर्कल रो सर्कमफरेंस इज 88 सेंटीमीटर दैट इज 2 पाई आर इज इक्वल टू 88 या पूर्व ये टाइप में डिस्कसन करते आर इज इक्वल टू डायरेक्टली 7 पुट कर दूँ जेहेतु मन अच्छी आर इज इक्वल टू 7 थिला तो आर इज इक्वल टू 7 हम ताले एरिया केते हो 5r² इक्वल टू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 7 कैंसिल 7 2 जा I mean then the area of circle pi r square 22/7 sorry एटा r is equal to 7 नहीं 14 हवा ना या पूर्व में डिस्कशन करथिले सो r is equal to 14 हे जीवो पूर्वटा मध्ये चेक करि परिबे एठी थिला आपनकर r is equal to 14 एठी हम डिस्कशन करथिले सिमिलर टाइप अछि सो r is equal to 14 हेले एठी 14 into 14 करंतु ए जगह रे पाई r square is equal to केते हे जीवो एटा 14 into 14 22/7 into 14 into 14 कैंसिल करंतु 7 2 जा 14 14 2 जा 28 अगेन 22 से मल्टीप्लाई हो 22 into 2 28 into 2 है 56 अगेन एटा है 56 टोटल 6 6 प्लस 5 है 11 1 1 एटा है 6 टोटल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन सी है जो आपनकर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ए रेक्टेंगुलर कारपेट हैज एन एरिया ऑफ 120 स्क्वायर मीटर रेक्टेंगुलर कारपेट कोटे बने दवा कारपेट रो एरिया देछि त माने लेंथ इनटू एटा जदी लेंथ हे जाय एटा जदी ब्रेथ हे जाय तले लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू देछि केते 120 एंड पेरिमीटर ऑफ 46 मीटर तले पेरिमीटर रो फार्मूला कोन रेक्टेंगुलर सेक्शन रो पेरिमीटर हला 2 इनटू l + b इक्वल टू हला केते 46 मीटर एटा हला दिस मच स्क्वायर मीटर। एबे पचाछि द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल एठी जो जे डायगोनल हम ड्रा करबा d ताले d रो फार्मूला कोन d इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बुझा पल्ला सो ए जगह देखंतु एटा रूट ओवर ऑफ l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कोन पा हेला एठी राइट एंगल ट्रायंगल वाला कंसीडर करंतु आपण ऑटोमेटिक बुझी परिबे सो देखंतु d इज इक्वल टू फाइंड आउट करा पा हेले रूट ओवर ऑफ l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करा पा पडियो दिस इज इक्वल टू म लिखि परिबी रूट ओवर ऑफ l प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2lb फार्मूला एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एल प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2lb इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ एल प्लस बी वैल्यू के 46 आई मीन एल प्लस बी जगह बाहर करिया पड़ो एल प्लस बी इज इक्वल टू 46/2 हो दैट इज 23 मीटर सो ये जगह 23 रो स्क्वायर डायरेक्ट पुट कर दूसरी 529 माइनस 2 इंटू एल बी फार्मूला 120 दैट इज 2 जो मल्टीप्लाई करिया 240 हो माइनस 240 एबे केते आपनकर रेस्ट रहिला केते 120 इनटू 2 240 हे गेला एठी 9 एठी 12 रु 4 गले 8 तापर एठी रहला 2 289 मींस आपनकर हे जो 17 सो एटा हेला 17 मीटर आपनकर डायगोनल जोटा हबो 17 मीटर रो डायगोनल हे जो। नेक्स्ट क्वेश्चन इफ द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल टू द एरिया ऑफ द सर्कल इज 1:4 ये देखूँ टी आप ध्यान सहित देखिए जब एरिया ऑफ सेक्टर इज टू एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल 1:4 तो ये आप ध्यान सहित देखिए जापर कि यहाँ नथिंग बट सेक्टरटा कौन गोटे क्वाड्रांट ही कौन पाई ना पूरा सर्कल को देखिले पूरा सर्कल गोटे क्वाड्रांट एरियाटा सर्कल एरिया 1/4 पार्ट होता है जेहेतु 1:4 रेसियो देछि ओब्वियसली से गोटे सेक्टर कथा कहि इनडायरेक्टली हमको कौन मिलगला सेक्टर मीन्स तार सेंट्रल एंगल हमको 90 डिग्री मिलगला थीटा इक्वल टू 90 डिग्री ए थीटा ही हमको बहुत हेल्प करिवो लगी एंड द एरिया ऑफ द सर्कल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर देन द पेरिमीटर ऑफ द सेक्टर सेक्टर पेरिमीटर फार्मूला कौन थिला एल प्लस 2r हमको एठी एल फाइंड आउट करै पय अछि एल फाइंड आउट करै पय हेले एल इज इक्वल टू फार्मूला कौन थीटा बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 2πr हमको ये आर जना नहीं आर फाइंड आउट करने अच्छी सर्कल एरिया देछि 154 आर मिल जाव पाई आर स्क्वायर इज इक्वाल टू 154 ताले आर स्क्वायर इज इक्वाल टू 154 मल्टीप्लाइड बाय पाई वैल्यू ओल्टा कर पुट करदे 7/22 पाई एपटे आसले ओल्टा मल्टीप्लाई कले से सो ये देखो 2 सहित कैंसिल कले 11 2 रे कैंसिल कले यहाँ 2 7 जा अगेन 2 7 जा सो 11 रे कैंसिल कले एटा 7 रे कैंसिल हम आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 into 7 आर इज इक्वल टू के 7 आर रे वैल्यू 7 मिल गला सो एल रे वैल्यू मिल जिवो आपन को टोटल 50 लाख पेरिमीटर सो एल इज इक्वल टू के थीटा देखो 90 डिग्री नेबी कारण जेहेतु गोटे एटा जो कोन क्वाड्रेंट सेति पई 90 डिग्री दिस इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 2 इनटू 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर रे वैल्यू 7 7 7 कैंसिल 360 सहित ये 00 दुटा कैंसिल है 9 4 जा 36 2 रे कैंसिल कले 2 अगेन 2 रे कैंसिल कले डाहला 11 सो टोटल लेंथ आई मीन आर्क लेंथ हेगला 11 एल इज इक्वल टू 11 हेगला 2 आर केते हबो ए जगह दिस इज इक्वल टू 11 प्लस 2 इंटू आर वैल्यू 7 इक्वल टू 11 प्लस 14 दैट इज 25 सेंटीमीटर ऑप्शन डी हे जो आपनकर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इफ साइड्स ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल फॉर्मिंग राइट एंगल आर इन द रेशियो 5:12 जोटा रईट एंगल अच्छी जो सैड दुटा रईट एंगल फर्मेसन कर रेसीो है 5:12 ताले ये साइड को हम 5x नहीं पारिबी एटा को 12x नहीं पारिबी मन रखंतु हमर पाइथागोरस ट्रिपलेट तीनटा अछि 5, 12 और 13 ताले एटा हिजो 13x एटा मन रखे में पड़िबो कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट मानो पे एटा बहुत जरूरी जिंस बुझा पल्ला सो हमको 13x फाइंड आउट करा पे देछि कारण देखंतु एटा लिखिछि देन द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस देछि कोन एरिया ऑफ द ट्रायंगल 270 सेंटीमीटर स्क्वायर जदि ओडे राइट एंगल रो एरिया में फाइंड आउट करिया कोन कोन थाय हाफ इनटू परपेंडिकुलर इनटू बेस राइट एंगल केस रे कारण एठी बेस आ हाइट मीन्स परपेंडिकुलर ही हम सो बेस इनटू परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई करिया दिस इज इक्वल टू देछि केते 270 सो ए जगह रे 1/2 इनटू परपेंडिकुलर जगह रे 5x बेस जगह रे 12x इज इक्वल टू 270 कैंसिल करंतु 2 रे 12 को काटले जो 6 एपट रे गेला 30x² इज इक्वल टू 270 दी पट रे 0 0 कैंसिल करंतु x² रे वैल्यू केते होला x² इज इक्वल टू 27/3 इज इक्वल टू 9 ताले x इज इक्वल टू केते होला 3 x वैल्यू 3 हेले हमको दरकार थिला कोन 13x हाइपोटेनस पड़ता थिला ना 13x इज इक्वल टू 13 × 3 इक्वल टू 39 सेंटीमीटर ऑप्शन डी हे जो आपनकर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ए रेक्टेंगुलर फील्ड हैज डायमेंशंस 25 मीटर बाय 15 मीटर रेक्टेंगुलर फील्ड प्रथम ड्रा कर दबा तार डायमेंशन देछि 25 मीटर प्रथम एटा 25 मीटर एटा हला 15 मीटर एतिक दे देछि 25 एंड 15 Two mutually perpendicular passages of 2 meter width have been left in its central part. Central part रे दीटा passage mutually perpendicular अच्छा 2 meter length रही गला central path एटा को दरकार नहीं ये सब रीजन तापर पचार कौन एंड ग्रास हाज बीन ग्रोन इन रेस्ट ऑफ द फील्ड अच्छा ये जो रेस्ट ऑफ फील्ड रहा ये ग्रास ग्रो कराई माने घास ये चारा लगाई देन पचारछि द एरिया अंडर द ग्रास ग्रास अंडर रे केतेटा एरिया रहला त माने जो चारटा सेक्शन रहला आउटसाइड रे सेतिकर एरिया दरकार हमहु प्रथमे जदी एटा टोटल 25 अछि आ एतिकी रीजन जदी 2 मीटर माइनस कर दबा ताले बळिला केते टोटल 23 दीटा पार्ट रे डिवाइड होछि दिस मच एंड दिस मच सो दीटा पार्ट जदी 23 रे डिवाइड होछि गोटे साइड रो लेंथ आपन को केते जो 23/2 सो ए जो साइड रो एटा जो 23/2 एठू ए पर्यंत लेंथ 23/2 सिमिलरली एपटरे 15 टू 2 मीटर एठी पळेला बाकी रहा 13/2 करले ये साइड रही 13/2 देखो यही रिजन एरिया बाहर करने 23/2 इंटू 13/2 करदे हो टोटाल देखो सही टाइप चार्टा रिजन अच्छी 1, 2, 3 एंड 4 चार्टा रिजन एरिया ही पचार एरिया अंडर ग्रास ताले टोटाल गोटे रिजन एरिया सहित 4 मल्टीप्लाई करदे टोटाल मिल जाव ये देखो 2, 2 सहित 4 कैंसिल हो 23 × 13 मल्टीप्लाई कले 23 × 13 3, 3 = 9 3, 2 = 6 3, 1 = 3 टोटल ये 9 2, 1 = 2 है 229 ऑप्शन बी है आपन को करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 60 मीटर रेक्टेंगल पेरीमीटर दैट मीन्स 2 × L + B इज इक्वल टू 60 इफ इट्स लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ दैट मीन्स L इज इक्वल टू 2B एल जगह 2B पुट कर दिंतु 2 × 2B + B इज इक्वल टू 60 ताहले 2 × 3B इज इक्वल टू 60 दैट इज 6B इज इक्वल टू 60 ताले B इज इक्वल टू केते 10 मीटर एबे पचाछि कोन देन इट्स एरिया B 10 हेले L इज इक्वल टू केते हिजो L इज इक्वल टू 2 × 10 दैट इज 20 एरिया केते हिजो L × B इक्वल टू 20 × 10 दैट इज 200 मीटर स्क्वायर। 98 क्वेश्चन ने पचाछि द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन इनसाइड ए रेक्टेंगल विथ साइड्स 18 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर केते हबो देखो प्रथम गोटे रेक्टेंगल भितर जदि हम गोटे सर्कल को ड्रा करने चेष्टा करिया ओब्वियसली सर्कल जोटा डायमीटर हबो रेक्टेंगल रो सर्कल डायमीटर टा रेक्टेंगल रो ब्रेथ सहित बराबर हबो एठी रेक्टेंगल रो ब्रेथ केते अछि 14 सेंटीमीटर इनडायरेक्टली मैं कहि परिबी 2R या डायमीटर D इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर मु 2R इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर लिखिदेली जेहेतु पचारछि कोन एरिया ऑफ लार्जेस्ट सर्कल ताले सर्कल एरिया कोन हिजो πr² हमको r दरकार 2r इक्वल टू 14 ताले r इक्वल टू केते हिजो 7 सेंटीमीटर πr² केते हो 22/7 × 7 × 7 7, 7 कैंसिल 7, 2 = 14 7, 2 = 14 इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन बी हे जिवो आपनकर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन इफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर मेजर्स 21 सेंटीमीटर एटा गोटे स्क्वायर टिके फिगरटा टिके बेंड होइके अछि कारण फोटो एटा उठाई गोटे बुक रु सेति पई सो टोटल स्क्वायर जदि थाए स्क्वायर एरिया केते हे जो जेहेतु 21 सेंटीमीटर गोटे साइड 21 × 21 हे जो टोटल एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस जदि सर्कल एरिया करदबा देन सैटेलाइट रिजन एरिया मिल जिवो सर्कल सर्कल डायमीटर सहित स्क्वायर साइड बराबर हम तमें सर्कल डायमीटर के टोटाल 21 सेंटीमीटर रेडियस के 10.5 सेंटीमीटर ताले सर्कल जदि आम एरिया बाहर करवा के सिंपली पाई आर स्क्वायर दैट इज 22/7 इंटू आर स्क्वायर ये आर स्क्वायर जगह के पुट करवा 105/10 कर दूसरी 10.5 अच्छी 105/10 इंटू 105/10 कैनसल करूँ 7 1 जा 7 7 5 जा 35 5 रे काटले 3 5 रे काटले 2 2 रे काटले 11 11 3 जा 33 इंटू 105 इंटू 33 3 5 जा 15 1 5 1 3 0 0 1 3 1 3 315 आड कले 5 6 4 3 3 4 5 6 जेहेतु तले 10 डिवाइड हम 3 4 5 3 46.5 होता 21 इंटू 21 गोटे जेहेतु स्क्वायर 441 माइनस 346.5 माइनस करूँ 441.50 346.5 एटा 5 एटा 10 रु 6 गले 5 एटा 3 13 रु 4 गले 9 95.5 आई मीन एटी 10 रु 6 गले 4 हो ना 10 रु 6 गले 4 हो 94.5 ऑप्शन सी हो आपंकर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एटी पचार ए स्क्वायर पार्क हाज ईच साइड 100 मीटर स्क्वायर पार्क ईच साइड है 100 मीटर ठीक अच्छे ताले एरिया के ए इक्वाल टू अपन 100 मीटर देछि ए स्क्वायर डायरेक्ट बाहर कर दौर 10,000 मीटर स्क्वायर तापर एट ईच कर्नर ऑफ द पार्क देयर इज ए फ्लावर बेड इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ रेडियस 14 मीटर ताले ये जदि गोटे क्वाड्रेंट है टोटाल 4टा क्वाड्रेंट मिक्स गले गोटे सर्कल भलिया हो ताले सर्कल एबे जदि आमे सिंपल गोटे सर्कल रेडियस को जदि 14 सेंटीमीटर नेले ताले टोटाल फ्लावर बेड रो एरिया केते हो गोटे सर्कल एरिया सहित सामान कोन पचारछि प्रथमे देखंतु एज सोन इन द फिगर द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पार्क ता माने ए जो भीतर एरिया टा केते पचारछि ताले फ्लावर बेड को माइनस कर दला पर भीतर जति रीजन रहिला देखो मु टोटल को भल से कलर कर दिए ए रीजन रो एरिया केते पचाछि केमथि हबो टोटल स्क्वायर रो एरिया रु आमे जदी टोटल फ्लावर बेड रो एरिया को माइनस कर दवा देन हे जिवो फ्लावर बेड रो एरिया को सिंपली आमे दिमाग लगे कि जान देले कोन गोटे सर्कल एरिया से तो बराबर जहार रेडियस ला 14 सेंटीमीटर ताले मु सिंपली ए स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर कर परबी इक्वल टू ए स्क्वायर बदल केते होला 10000 माइनस पाई होला 22/7 इंटू आर स्क्वायर हेले 14 इंटू 14 7 2 जा 14 है 14 इंटू 2 है 28 इंटू 22 56 टोटाल 616 या पूर्व गोटे एमती कैलकुलेसन आम करते सो 10,000 रु 616 माइनस कले के प्रथम आसला 4 तापर आस 9 1 गले 8 4 8 तो गोटे ऑप्शन अच्छी ऑप्शन ए हो करेक्ट आंसर 9384 मीटर स्क्वायर। देन ए व्हील मेक्स 1000 रिवोल्यूशन इन कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 88 किलोमीटर 88 किलोमीटर में टोटाल केते मीटर है 88 इंटू 1000 मीटर एतिक मीटर कवर करने गोटे व्हील को 1000 रिवोल्यूशन मारे पड़ी माने 1000 रिवोल्यूशन से घूरी टोटाल ताहले व्हील रो आमे जदी पेरीमीटर फाइंड आउट करने चेष्टा करिया सर्कमफरेंस ताहले टोटाल 1000 को डिवाइड कर दवा 1000 टाइम्स जब एटिकी जाऊँच गोटे टाइम्स के गोटे टाइम्स हो तार सर्कमफरेंस सो 1000 डिवाइड करदे 88 मीटर आसीगला कौन यहाँ सर्कमफरेन्स ताले पचार कौन डायमीटर ऑफ द व्हील ताले सर्कमफरेन्स फॉर्मूला कौन 2πr करें ना πd करें πd इज इक्वल टू 88 d इज इक्वल के 88 मल्टीप्लाइड बाय 7/22 पायर उल्टा वैल्यू पटर पुट कली 22 4 जा 4 इंटू 7 हो 28 मीटर होकर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर व्हील इज 1.75 मीटर हाउ मेनी रिवोल्यूशन विल इट मेक इन ट्रैवलिंग 11 किलोमीटर ठीक अच्छे ये डिटो सही टाइप क्वेश्चन अच्छी ए क्वेश्चन पे मुझे टाइम वेस्ट करनी खाली कहीदे कि यहाँ ऑप्शन सी होकर करेक्ट आंसर सो ये आप निजे ये होमवर्क रहा आपको करने ऑप्शन सी देखो ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर यहाँ ट्राए आप निजे करेंगे। नेक्स्ट व्हाट इज द डायमीटर ऑफ ए व्हील दैट मेक्स 113 रिवोल्यूशंस टू गो 2 किलोमीटर एंड 26 डेकामीटर ये देखो आपको ये भी करेंगे बाकी मुझे हिंट्स दे दूँगी 2 किलोमीटर मीन्स आम कौन लिखा 2000 मीटर लिखी 26 डेकामीटर 26 डेकामीटर मीन्स इक्वल टू 260 मीटर कारण गोटे डेकामीटर मीन्स 10 मीटर 26 डेकामीटर मीन्स 260 मीटर हो दिटा को जब आम आड करवा टोटाल है 2260 मीटर एतिकी टोटल कवर करिछि डायमीटर दैट मेक्स 130 रिवोल्यूशन टू गो दिस मच डिस्टेंस ताले टोटल केतरा रिवोल्यूशन करछि 113 रिवोल्यूशन गोटे रिवोल्यूशन रे केते जो 113 डिवाइड कर दियंतु 113 डिवाइड करले 113 रो 2 मल्टीप्लाई करले 226 0 हो जो सो 20 मीटर हे गला गोटे रिवोल्यूशन रे गोटे रिवोल्यूशन मींस सर्कल सर्कमफरेंस मु करि सारलेनी तो करि दोछि देखंथु सो 20 मीटर हेगला सर्कल र सर्कमफरेंस तापर पचाछि व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द व्हील फाइंड आउट करे पे हेले सिंपली पाई d इज इक्वल अपन कर हे जो 20 मीटर सर्कमफरेंस d इज इक्वल कते हे जो 20 मल्टीप्लाइड बाय 7/22 सो एडी कैंसिल करले कते हे जो 2 रे कैंसिल करले टिके गोटे सेकंड हां 2 रे कैंसिल करले एटा हला 10 सो एटा हला 11 70/11 इक्वल टू ऑप्शन देखंतु एम्ति देइनी सो एठी ट्राई कर दबा प्रथम है 13 × 4 12 प्लस 84 है एटा 6 होची हबनी 11 × 6 11 6 × 1 है 6 + 4 एटा 0 हो जाए 66 + 4 एटा ही ऑप्शन बी है जो अपन को करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इफ ए सर्कल एंड ए सेमी सर्कल हैव द सेम रेडियस एज 14 सेंटीमीटर देन द रेशियो ऑफ देयर पेरिमीटर प्रथम देखंतु सर्कल रो पेरिमीटर फार्मूला कोन दैट इज 2πr सर्कमफरेंस किंतु गोटे सेमी सर्कल रो पेरिमीटर फार्मूला कोन πr + 2r एटा को ध्यान रे देकी मन रखि थांतु सेति पई से पचारछि एते इजी जिंस सडनली एटा कर देले भूल हे जिवो सो πr + 2r एटा को ध्यान दबा पई पड़िवो तापर देखंतु प्रथमे हमकु 2πr फाइंड आउट करै पई अछि सीधा में कोन करिवा ऊपर 2πr लिखि देबा r रो कोनोसी आवश्यकता नै मधे एठी आपण चेक करि परिबे सो ऊपर 2πr हेला रेशियो ऑफ देयर पेरिमीटर 2πr तळे हेला πr + r ऊपर रहिला 2πr तळे मु जदी r कॉमन लेली देन पाई प्लस 1 हो पायर प्लस 2r थी ना सो पाई प्लस 2 हो इक्वल टू ए जगह देखो आर आर कैंसिल होगा ऊपर रहा 2π तले रहा पाई प्लस 2 ऊपर 2π मीन्स 2 × 22/7 डिवाइडेड बाय 22/7 + 2 इज इक्वल टू ऊपर होगा के 2 मल्टीप्लाई कले 44/7 तले है के 7 × 2 है 14 + 22 दैट इज 36 / 7 एबे दिटा को क्रॉस मल्टीप्लाई करके केते हे जो 44/7 ऊपर को जाई कि 7/36 कैंसिल कर दो 7/7 कैंसिल इज इक्वल टू 4 रे कैंसिल कर 11 4 रे कैंसिल कर 9 11/9 ऑप्शन सी हे जो करेक्ट आंसर 11:9 रेशियो रे रहिबे सो रेडियस खाली देइची कंफ्यूज करै पय आ किछ नै रेडियस रे कोनो से आवश्यकता नथला सीधा अपन आंसर करि पार थांते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज 16 सेंटीमीटर लेस देन इट्स सेमी सर्कमफरेंस देखो सर्कमफरेंस ला 2πr सेमी सर्कमफरेंस केते हो πr लेकिन डायमीटर टा कोन 16 सेंटीमीटर लेस सेमी सर्कमफरेंस रु ताले डायमीटर को जदी मु 2r नै गली πr - 2r डिफरेंस केते देला 16 सेंटीमीटर पचाची रेडियस केते r कॉमन नै जंतु π - 2 = 16 सेंटीमीटर ताले r * 22/7 - 2 = 16 सेंटीमीटर r * 7 हेले 14 हेला 14 + 8 हेले 22 दैट इज 8/7 डायरेक्ट मु कर देली आपण एटा कैलकुलेशन करले मधे जानि परिबे इक्वल टू 16 सेंटीमीटर ताले r इज इक्वल केते हे जिवो 16 मल्टीप्लाइड बाय 7/8 8 रे कैंसिल करले 2 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर ऑप्शन डी हे जिवो आपण कर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ टू व्हील्स इज 4:5 द रेशियो ऑफ देयर सर्कमफरेंस खाली कंफ्यूज करे पे क्वेश्चन दे जाओ किछ नै जदी रेडियाई देला r1 इज इक्वल टू 4 r2 इज इक्वल टू मन कर जे 4x r2 इज इक्वल टू 5x हे गला रेशियो 4:5 देछि से मन कर सर्कमफरेंस रेशियो देखो सर्कमफरेंस केते जो 2πr1 डिवाइडेड 2πr2 इक्वल टू 2π2 पे कैंसिल हला दैट इज r1/r2 r1/r2 गला केते जो 4x/5x इज इक्वल टू से 4:5 बुझा पला सो ऑप्शन बी हे जो करेक्ट आंसर बहुत इजी थिला क्वेश्चन दा। नेक्स्ट फाइंड द एरिया ऑफ ट्रापेजियम हुज लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स एंड हाइट आर 20 मीटर 24 मीटर 25 मीटर रेस्पेक्टिवली ताले आमे पैरेलल साइड को ए बी रे नौ सो ए इज इक्वल टू 20 मीटर नै जानतु बी इज इक्वल टू 24 मीटर नै जानतु ताले एच इज इक्वल टू केते हला 25 मीटर देइछि सीक्वेंस रे देइछि ना ताले एरिया केते हे जिवो 1/2 * पैरेलल साइड रो समेशन a + b * हाइट इक्वल टू 1/2 * a + b हेले 20 + 24 दैट इज 44 मल्टीप्लाइड बाय एच हला 25 कैंसिल करले एटा 22 25 * 22 50 ऑप्शन 550 हे जिवो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन रे पचारछि इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 72 डिग्री एट द सेंटर द लेंथ ऑफ द आर्क सो सर्कल रे सिंपली गोटे सर्कल रे गोटे आर्क लेंथ टा एंगल ये 72 डिग्री फॉर्मेशन करुँच 72 डिग्री एंगल पचार यही आर्क लेंथ टा केते हबो आर्क लेंथ फॉर्मूला कौन थीटा डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर इक्वल टू थीटा जगह के 72 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू पाए भैल्यू 22/7 इंटू आर भैल्यू के 21 सेंटीमीटर 7 ने कैंसिल कले 3 7×3 जा 21 तापर एगेन 72 को ये कैंसिल कले के देखूँ 5 हेले हाँ 5 रे कैंसिल हो 1/5 72 इंटू 5 2 जा 0 1 5 7 जा 35 +1 36 ठीक अच्छे सो यहाँ 5 हो गला तापर ऊपर देखूँ के 2 × 22 44 इंटू 3 4 जा 12 132 132 डिवाइडेड बाय 5 एटा आपन कैलकुलेट करले केते जो 5×2 जा 10 अगेन 10 पर 32 5×6 जा 30.54 जा 20 26.4 ऑप्शन डी हे जो करेक्ट आंसर नेक्स्ट एटा देखंतु ए डिटो से टाइप रो क्वेश्चन देछि सो एटार मु आपन को आंसर कहि दोछि कोन हबो आपन एटा निजे जाई कि ट्राई करिवे सो या पूर्वटा हला केते 26.4 तो एटा आपनकर 52.8 एटा ऑप्शन सी रे करेक्ट आंसर अछि एटा आपण निजे जाय कि ट्राई करिवे एटा आपण को होमवर्क रहला ऑप्शन सी हे जो आपनकर करेक्ट आंसर परफेक्टली चेक करिवे भलो से नेक्स्ट एटा मध्ये आपण होमवर्क रखि दियंतु सेही सिंपल जिंस अछि पूर्व क्वेश्चन हम कर दोछि एटा देखंतु सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर द एंगल मेड बाय द सेक्टर एट द सेंटर इज 42 सेंटीमीटर देछि एरिया ऑफ द सेक्टर अच्छा एटी एरिया देछि जेतु मोडा एटा निजे कर दोछि एरिया फार्मूला कोन थिला थीटा बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर इक्वल टू थीटार भैल्यू के पुट करी 42 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड पायर भैल्यू 22/7 इंटू आर भैल्यू के 12 रेडियस 12 सेंटीमीटर दैट इज 12 × 12 कैंसिल करूँ 42 रे कैंसिल कले ये जीव के 4 हेले 4 रे कैंसिल हेनी 6 काटले 6 7 जा 6 काटले 6 6 जा 6 0 सो ए 12 कैंसिल कले 5 जीव ऊपर होगा 7 × 2 होगा के 14 that is 154 multiplied by 12 whole divided by 7 × 5 that is 35 एटा कैंसिल कले देखिए 52.8 ही आसीबो भल से कैलकुलेशन टा करके देखिए 52.8 ही आसीबो मु कैलकुलेशन आ टाइम नउनी बहुत सारा टाइम एथरे जदी पळेबो देन आमे क्वेश्चन अधिक करि परिबानी सो ए तीनटा मध्ये आपण रखि दंतु होमवर्क पई 129 130 एंड 131 129 रे आपनकर 77 हे जिवो करेक्ट आंसर 130 रे हे जिवो आपनकर 56 ऑप्शन ए हे जिवो करेक्ट आंसर 131 रो 850.5 ये सिमिलर क्वेश्चन अच्छी सेक्टर रिगार्डिंग क्वेश्चन गुड़ा सेक्टर रिगार्डिंग क्वेश्चन टिके ट्राई मध्यम करदेबे एटा मु आपन को होमवर्क दोछि नेक्स्ट क्वेश्चन मु किछि ट्राई कर दोछि ऑप्शन मन रखंतु एटा हला सी एटा हला ए एटा हला डी नेक्स्ट इफ वन ऑफ द डायगोनल ऑफ रम्बस इज ट्वाइस द अदर डायगोनल के देन द रेशियो ऑफ देयर एरिया एंड पेरिमीटर जदि गोटे डायगोनल D1 नवा आ गोटे डायगोनल को D2 नवा देन देछि ट्वाइस द अदर गोटे आ गोटेर ट्वाइस जदि D1 इज इक्वल टू मु के नहीं जाए ताहले D2 इज इक्वल टू 2k हो देन द रेशियो ऑफ देयर एरिया एंड पेरिमीटर एरिया केते हो एरिया सिंपल हमरो 1/2 इंटू D1 इंटू D2 डिवाइडेड बाय पेरिमीटर फॉर्मूला कौन 2√/ऑफ D1² प्लस D2² इक्वल टू एटी वैल्यू पुट करवा 1/2 इंटू 2k इंटू के डिवाइडेड बाय तले केते हो 2 multiplied by √/of 2k² that is 4k² plus k² that is k² equal to केते हेला ऊपर एटा 2 2 कैंसिल ऊपर हेला k² divided by तळे हेला 2√5k कैंसिल करले केते हिजो k कैंसिल होला इक्वल टू ऊपर लिखि दोछि k 2√5 ऑप्शन सी हे जो आपनकर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द एरिया ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल हुज हाइपोटेनस एंड बेस आर 13 एंड 5 सिंपली देखंतु जर हाइपोटेनस 13 हैला बेस जदी 5 हैला ओब्वियसली तार परपेंडिकुलरटा 12 हबो एई टाइप रो राइट एंगल ट्रायंगल रे मन रखंतु एटा ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल रो पाइथागोरस ट्रिपलेट आपन मन थियो पचाछि कोन एरिया पचाछि एरिया हैले 1/2 इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस 12 × 5 दैट इज 12 रे कैंसिल करले एटा हैला 6 6 × 5 दैट इज 30 सेंटीमीटर देछि किछि देइनी सो 30 आपन को ऑप्शन डी हेला खाली ऑप्शन डी हे जे करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हुज पेरिमीटर एंड टू साइड्स आर दिस एंड दिस टोटल पेरिमीटर देछि केते a+b+c इक्वल टू 24 ताहले हमकु सेमी पेरिमीटर दरकार a इक्वल टू केते हिजो a+b+c डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 24/2 दैट इज 12 डायरेक्ट लिखि देली एबे देखंतु जेहेतु दुईटा साइड गोटे सिक्स देछि आउटे 10 देछि ए टोटल ला 16 टोटल ए प्लस बी प्लस ये ला 24 ताले गोटे ये दुईटा मिसिक 16 तीनटा मिसिक 24 थर्डटा केते 24 माइनस 16 ले केते होला 8 तामाने गोटे साइड होला 8 गोटे ला 6 गोटे ला 10 एबे हमकु एरिया फाइंड आउट कराय अछि हिरोन्स फार्मूला रे पुट करिया सीधा सेमी पेरिमीटर 12 into 12 minus 8 into 12 minus 6 into 12 minus 10 इज इक्वल टू केते हिजो 12 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 सो ए जगह कौन कौन कैंसिल होउची देखंतु एठी एटा टोटल रूट ओवर रहला जदि हम सिंपल चेंज करबा एटा हला 3 into 4 into 4 into 3 into 2 होल रूट डबल डबल नियंतु दीटा 3 रू 3 दीटा 4 रू 4 दीटा 2 रू 2 3 4 जा 12 2 जा 24 ऑप्शन ए हे जिवो आपनकर करेक्ट आंसर नेक्स्ट फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल व्हिच टू इक्वल्स अनइक्वल साइड्स आर 5 एंड 8 ए क्वेश्चन टिके एरर अछि हालांकि हम टिके एडजस्ट करी कर दबा एटा कहिनी कि कोटा बेस कोटा हाइट सो ए जगह आपन देखंतु आपनकर इजी जोटा हबो सेटा को नै जिवे जदि बेस आपन 8 नौचंती ताले बेस्ट रहबो कोन पई देखंतु जदि हाइट हेगला मोर 5 बेस 8 हेले ओबवियसली आधा पाटा हे जिवो 4 आउ आधा पाटा जेतु 4 एटा 4 हैला एटा 5 हैला पाइथागोरस ट्रिपलर 3 4 5 तले एटा 4 हैला एटा ऑब्वियसली 3 हे जिवो हालांकि एटा 3 वाला दिसुनी किंतु एटा 3 ही हबो ए टाइप रो लंबा जेतु 8 एते बडो हे जिवो एटा 3 हे जिवो एटा हे जिवो 5 एटा हे जिवो 4 ए टाइप रो ट्रायंगलटा बुझा पला तापर पचाछि कोन तार एरिया पचाछि सो टोटल ट्रायंगल रो आइसोसेल्स ट्रायंगल रो एरिया फाइंड आउट करा पे हेले आपनकर बेस हे गला 8 हाइट हे गला आपनकर 5 1/2 मल्टीप्लाई कर दियंतु सिंपली कहि अनइक्वल साइड्स जेतु देछि अच्छा अच्छा ए जगह रे टिके प्रॉब्लम अछि देखंतु अनइक्वल साइड मु उल्टा कहि देली आपन को भल से कहि दोछि देखंतु प्रथम आपन को बेस हला 8 हाइपर तार अनइक्वल साइड 8 को आपन जदि 5 नै गले सिंपली जदि सेटा 5 हे गला ओबवियसली हाइट ता 4 हे जिवो आई मीन हाइट ता 3 हे जिवो कारण पाइथागोरस ट्रिपलेट बनेबो एटा 4 एटा 5 हे गला एटा 3 हे गला ताले एटा हला ट्रायंगल टोटल ताले ट्रायंगल हले ट्रायंगल हाइट हला 3 बेस हला 8 मु कोन कहउछि बुझा पड़छि त भल से एटा जेतु राइट एंगल ट्रायंगल हला पूरा बेस्ट आम जब पूरा आई मीन जदि अनइक्वल साइड को जदि एटा को 5 नै गले एटा को जदि 8 नै गले आइसोसेल्स ट्रायंगल रे पूरा ए बेस रो आधा पार्ट ता 4 हे जिवो एटा दिछि 5 ओबवियसली हाइट 3 हे जिवो एरिया बाहर करिया पय इजी होला 8 into 3 into हाफ ताले मल्टीप्लाई करले केते होला 12 हे जिवो आपनकर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी जदि न बुझा पड़थियो देन कमेंट रे बताइ देबे मु नेक्स्ट को वीडियो रे ए विषय डिस्कशन कर देबी Find the area of a quadrilateral whose one diagonal is 16 cm and perpendicular drawn from other two vertices are 5 cm and 9 cm respectively. ये को टाइप रो ट्रायंगल हे गला जोटा हमर कर चार कोनोसी भी साइड इक्वल नथिला जदी डायगोनल दिया हितिबो आ एपट रो परपेंडिकुलर दिया छि एपट रो परपेंडिकुलर दिया छि ताल कोन होतला आमे 1/2 मल्टीप्लाइड बाय डायगोनल लेंथ मल्टीप्लाइड बाय पैरेलल जो ए जो दिटा साइड ला तार समेशन करथले सो ए जगह आपन फाइंड आउट करिवे ऑप्शन आपन कर मु आपन को ट्राई करी देखै दोछि 1/2 into 16 सेंटीमीटर हला डायगोनल मल्टीप्लाइड बाय एपटर हाइट गोटे हला 5 आउट हला 9 टोटल ऐड कर देले 9 + 5 टोटल हला 14 कैंसिल करंतु एटा हला 8 14 ने मल्टीप्लाई करले केते हिजो आपन कर 8 4 जा 32 2 3 8 1 जा 1 आई मीन 8 1 जा 8 + 3 112 ऑप्शन सी हे जो आपन कर करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखंतु दुटा क्वेश्चन अछि म आपन दे दोछि एटा होमवर्क टोटल बहुत टाइम हे गलानी देखंतु एठी आपन कर √3:4 पाई हे जो करेक्ट आंसर एटा आपन कर होमवर्क रहला नेक्स्ट क्वेश्चन गोटे अछि एई जगह रे आपन कर 154 हे जो करेक्ट आंसर आज रो क्लास रे मु टोटल आपन को 5टा होमवर्क देछि अराउंड 34 अराउंड मु क्वेश्चन आंथिली 29 अराउंड क्वेश्चन मु कराइ देली 34 35 क्वेश्चन थिला तो मु अराउंड 30 क्वेश्चन कराइ देछि बाकी जदी क्वेश्चन रहला आपन को होमवर्क रहला आपन कर देबे आज रो क्लास को एट एंड करिया बहुत सारा क्वेश्चन थिला हालांकि मेंसुरेशन रो क्वेश्चन को एते कम टाइम रे करबा डिफिकल्ट जिंसटा बहुत सारा जिंस को कंसीडर करिया पे पड़े मु चेष्टा करले टिके स्पीड भी मझरे कहूतिली जहा भी हो हमर टाइम भितरे सब किछि क्वेश्चन बराबर हे गला जति के मैं एक्सपेक्ट करथिले पाखा पाखी हमें अचीव करनेले सो आज रो क्लास को एट रखिया थैंक यू सो मच पुणी मिसबे आउटे नुवा वीडियो से पर्यंत जदी भी किछि भी क्वेरी अछि देन आपन कमेंट रे बते देबे मु सेटा को कंसीडरेशन रे नेबी थैंक यू सो मच